हटो मां 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 आओ बैठो आए बैठो मां बैठो सीट हियर एक जहर पिलाओ हां जहर दे कहां वो पुष्पा जी कहां पढ़ रही चुप करोगे सॉरी मां राशिफल पढ़ रहे हम हमारा हमारा देखिए ना राशि क्या है तुम्हारी राशि कर कर तुम्हारी राशि में भी हमारी राशि की तरह धन की हानि लिखी है धन है कहां टिकट 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 लॉटरी टिकट लॉटरी टिकट काहे हां हां लॉटरी टिकट खड़े खड़े किस्मत तूफानी हर टिकट में कुछ ना कुछ निकलेगा गारंटी टिकट 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 क्या क्या बात कर रही इसमें मतलब जितना भी टिकट है इसको खरीद के रगड़ने पे कुछ ना कुछ निकलेगा हां हां पक्का निकलेगा गारंटी ठीक है रुक रुक हां हम चुनते हैं टीप टाप कपड़ा साफ पीला पीला हां हां बाबू 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 इसको रगड़ रगड़ने से पहले 100 रुपए देंगे ना यार रगड़ना उसके बाद देंगे ना दे दो ना पहले पैसे अब रगड़ रगड़ भाई रगड़ रगड़ ये देखो कड़ी पे निकला 10 रुपया बिल्ले बिल्ले पुष्पा जी झूठी हो गई अभी हमारा राशिफल में क्या पड़ी है क्या 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 पड़ी है ना कि हमको धन का हानि होगा ये तो लाभ हो गया इसको बोलते निठल्ले कहे रे लाभ कितना हुआ 10 रुपया लॉटरी का टिकट कितने का है 100 रुपया तो हानि कितना हुआ 90 रुपया इधर क्या बोला तुम हाँ कुछ ना कुछ निकलेगा तो 100 रुपए टिकट दाम रखा है तुम निकला ना 10 रुपए तो निकला कहाँ कहाँ भाग रहे हो कहाँ करिश्मा सिंह के इलाके में हमारे थाने के सामने टोपा गिरी कर रहे हो पैसा दो दे पैसा दे पैसा दे वो तो लॉटरी के रुपए लिए हैं ले ले टिकट ले पैसा दे पैसा दो पैसा दे पड़ेगा कंटा पैसा दो ले ले लॉटरी ले पल्ला इनको अंदर लेकर आओ अरे अरे पर हमें हमने क्या किया तुम्हारा लॉटरी निकला मैडम ने बोला ना चलो अंदर आराम से आने दो जय हिंद सर आई एम अभिमन्यु एज पर ऑर्डर ये पार्सल आपको हैंडओवर किया जा रहा है बाकी की डिटेल्स तो आपको ऑलरेडी मेल किए जा चुके हैं प्लीज साइन हियर सर क्या ये वही है यस सर ये वही है अरे इसके बारे में मुझे पहले कभी बताया ही नहीं गया जहां तक मैं जानता हूं हसीना मलिक को वो कभी इसके लिए तैयारी नहीं होगी सर शी हैज नो ऑप्शन और वैसे भी ये ऑर्डर डायरेक्ट मिनिस्ट्री से आए हैं सो यू मस्ट फॉलो दैट हमारा मकसद है सोसाइटी से क्राइम रेट कम करना इससे बेहतर तरीका और क्या होगा थैंक यू सर वेलकम अरे अरे सब स्क्रैच कर देंगी तो सांता क्लॉज की टिकट कहाँ बचेगी जय हिंद मैडम सर कौन है ये क्या हो रहा है मैडम सर लॉटरी का टिकट बेच के सबको ठगता है अमीर बनने के सपने दिखाता है लेकिन बना देता है गरीब और चूरन का हिम्मत देखो अब पुलिस को भी लॉटरी का टिकट बेच रहा है और बना दिया हमारे चीते को एकदम टोपा बना दिया बेवकूफ बना दिया एक भी टिकट में 10 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं मिले मैडम सर क्या सच में मैडम सर हम ना हम बिल्ला के सर पर हाथ रख के कसम खा के बोल रहे हैं हमारा ऐसा लॉटरी जीतने का कोई इरादा नहीं था हम सोचे थे कि थोड़ा बहुत इससे अगर लॉटरी लग जाएगा और जो उससे धरकासी मिलेगा उसको गरीब लोग में बांट देंगे लेकिन ये तो हमको मूर्ख बना दिया अगर मदद करना ही चाहते थे तो सीधे सीधे रास्ते से करते ये फ्रॉड लोगों के चक्कर में क्यों फंस गए थाने के डोनेशन बॉक्स में अपने अपने हैसियत के हिसाब से पैसे डालिए और जरूरतमंदों को पैसे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उसकी हैसियत डालने की नहीं निकालने की है हाँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मैडम सर ऑल यूनिट अलर्ट ऑल यूनिट अलर्ट बसंतपुर रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस अपना संतुलन खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है बस कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है पास के पुलिसकर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें बस को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाएं।
मैडम सर हम क्या कह रहे हैं, हम पीछे वाला कच्चा रास्ता लेके अगर बस्ती वाला शॉर्टकट लेंगे ना, फटाक से हम बसंतपुर पहुंच जाएंगे। ओके गुड, चलिए चलिए जल्दी। बिल्ले इनका लॉटरी निकालता हूं। अरे लॉटरी स्क्रैच करता हूं इनकी मैं। अरे लेकिन हम क्या करें? बचाइए अरे हटाओ गाड़ी, हटाओ यार गाड़ी, साइड करो यार, साइड करो गाड़ी। चलो 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 जल्दी जाओ, चलो चलो चलो। मैडम सर कुछ भी करके हमें इस बस को रोकना ही पड़ेगा। आज सुबह ही वायरलेस पे खबर मिली, इसी रोड पर आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट होने की वजह से रोड ब्लॉक है। अगर बस इसी गति से ट्रक से टकराई तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे हैं बस में। हे शिवजी रक्षा कीजिए बच्चों की। देखा का? वो का? ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई ऐसे गुजरा। अम्मा का बौर आ गई है क्या पुष्पा जी? क्या कुछ गुजरा? 100 की स्पीड में हमारा गाड़ी चल रहा है, आपको लग रहा है कुछ गुजरा? अगर कुछ गुजरेगा तो या तो वो सुपर हीरो होगा या कोई फास्ट ट्रेन होगी, और दोनों यहाँ पे अभी हो नहीं सकता। ठीक है शिव जी, अनर्थ होने से बचाइए, बच्चों की रक्षा कीजिए। कहाँ गई बस? दिखाई नहीं दे रही है। मैडम सर अब तक तो बस क्रैश भी हो गया होगा। ऐसा मत कहो प्लीज।
blood loss, heart rate 50, BP low. He needs immediate medical attention. Emergency case. We need ambulance. Address location has been sent to your phone. Please locate and hurry up. डर लग रहा है बच्चे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं है. There's nothing to worry about. ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है. चलो चलो. मीरा, जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाए. मीरा, मीरा, पहचाना? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पहचाना है. अभी तो हम सेंटर क्लास बने. क्या कर रही हैं आप? आप क्या कर रही हैं? प्लीज, यहाँ ये कोई वक्त नहीं है. ओके, हम एक एम्बुलेंस बुलानी होगी. मेडिकल टीम की मैं बुला चुकी हूँ. I have an inbuilt emergency activation system. Medical team or ambulance यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाएंगी. In fact, पहुँच चुकी है. पहले हमें इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना होगा, पता लगाना होगा कि कौन है जिसने ये स्कूल ड्राइवर के साथ ऐसी हरकत की है. मीरा हमारी हेल्प कर सकती है, सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती है वो. अरे हाँ, बिल्कुल सही. मीरा, अरे कहाँ गई? ये एंट्री मारते ही खतरनाक टाइप एग्जिट भी मार देती है, पता नहीं चलता है कुछ. पता नहीं मीरा जी. मीरा, मीरा, मीरा अचानक कैसे वापस आ गई? मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मीरा वापस आ गई है. बताया भी नहीं उसने. मगर तो क्या पुष्पा जी दरभंगा वाले फुआ की लड़की है जो 3 तारीख मौसम ट्रेन बस सीट नंबर सब कुछ बता कर आएगी? अरे भाई मशीन है, आ गई. और का आई है ना. हाँ, अगर सही टाइम पे मीरा नहीं पहुंचती तो कितने सारे मासूम जिंदगी आज खतरा में होती. वो बात तो है. पहली बार जब आई थी तब आपकी जान और खुद की जिंदगी देकर अपने थाने को बचा कर गई थी. अब की बार इतने सारे बच्चों की जान बचाई उसने. हमें तो इतना अच्छा लगा मीरा को देखकर. ऐसा लगा जैसे दोबारा उसको गले लगाया. मगर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई. करंट भी मारती है ज्यादा बार गले लगाने पे. हमको मारी थी एक बार. हमको भी मारी थी. मिशन अकम्प्लिश्ड. जय हिंद सर. जान सकते हैं कौन है ये आदमी और ये क्या हो रहा है? ये वो मुजरिम है जिसने बस ड्राइवर को शूट किया था. अपराधी कानून की कस्टडी में है और अपना क्राइम कन्फेस कर चुका है. विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स कोर्ट में सबमिट किया जाएगा विद चार्जशीट. केस क्लोज्ड. तुम्हारी मैया की सासू मैया, काहे क्या तुमने ये सब? हाँ, काहे किया? अरे भाई करिश्मा जी संभाल के क्या कर रही है? काहे बस ड्राइवर को गोली मारा तुमने? बताओगे हमारा संयम जवाब दे देगा, नहीं तो कूटेंगे बहुत ज्यादा. गलती होगी मैडम. गलती हो गया वो तो हमको भी पता, तुमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है. लेकिन काहे किया ये गलती, हम ये पूछ रहे हैं. वो वैन वाले नंद किशोर बड़े भाई थे हमारे. गांव की जमीन की हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा चल रहा था. बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी. पूरा
पूरा जमीन हड़पने के चक्कर में हम अपने ही बड़े भाई को गोली से मार दिए। हाँ मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दीजिए मैडम जी। माफ कर दे हम तुमको? कितने मासूम लोगों की जान चली जाती, कितने घरों में अंधेरा हो जाता, इस बारे में सोचा है तुमने? और तुम बोलोगे माफ कर दे हम तुमको? तुमको तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। चीते, मैडम जी, चीते चार्जशीट तैयार करो और इतनी धाराएं लगाओ कि जब ये जेल से बाहर आए तो सिर्फ इसकी अस्थियां बाहर आए। जी मैडम। सर, आपने बताया नहीं कि मीरा को फिर से एक्टिव कर दिया है। इनफैक्ट सच कहें तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि मीरा ने सही वक्त पर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, एक क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन ये हम में से किसी को पहचान नहीं रही है, इसे पुराना कुछ भी याद नहीं है, ये बात थोड़ी सी हैरानी की है। अरे भाई, ये आपको इसलिए नहीं पहचान रही है क्योंकि ये मीरा का अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर से आप लोगों की सारी स्मृतियां यानी कि सारी यादें खत्म कर दी गई हैं। मतलब वो किसी को भी नहीं पहचान रही है? हाँ, कुछ भी याद नहीं है। मीरा, हम पुष्पा सिंह। लल्ला के पापा। नो, झूमता हुआ पेड़। नो, बहती नदी। नो, ना पुष्पा जी, ये सब तो याद रखने वाला चीज भी नहीं है। अरे पुष्पा जी, अपग्रेडेड वर्जन में आप लोगों की स्मृतियां डाली गई हैं भाई। क्या है कि आप लोगों का नाम, आप लोगों की पोस्ट और वो सारी जानकारियां जो इनमें डाली जा सके, ताकि आप लोग तालमेल बना के काम कर सको ना, इसीलिए। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब ये पुरानी मीरा नहीं है, अब हम सबको इन्हें मीरा जी कह के बुलाना होगा। जी? जी, एक मिनट, गुस्ताखी माफ सर, लेकिन जी हमारा सेम रैंक है, सेम पोजीशन है, तो ये इंसान और मशीन के बीच में सरकारी पक्षपात नहीं होगा अगर हम इनको जी कह के पुकारना पड़ेगा। हाँ जी सर। अगर आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को ये पक्षपात नहीं लगेगा। वो क्या है कि ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये हिंदी वाला जी नहीं है, ये अंग्रेजी वाला जी है। जी यानी कि गामा। गामा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिकॉय ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, आई थिंक। साइंटिफिक टर्म्स में इसे शायद यही कहते हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग नहीं जानते कि इनको बनाने वाले कंप्यूटर जीनियस ने इनके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर ऐड किए हैं, जैसे कि अब हम ही मीरा के बारे में कितना बताए, भाई मीरा जी भी तो बता सकती हैं अपने बारे में। मीरा जी अपने बारे में बताइए। मीरा जी अपने बारे में बताइए। मैं दुनिया भर की हर भाषा समझ सकती हूँ और मल्टीपल लैंग्वेजेस में बोल सकती हूँ। गामा टेक्नोलॉजी की वजह से आई हैव 10x मोर स्पीड, पावर एंड एक्यूरेसी। और अब चार्ज होने के लिए मुझे किसी चार्जिंग पॉइंट या गैजेट की जरूरत नहीं है। मैं सोलर पावर से चार्ज हो सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय ऑटोमेटिक एडवांस्ड एंड हाई डेफिनेशन रिस्ट वॉच, जो कि मेरे बॉडी डिजाइन के साथ अटैच्ड है। एक मिनट, कौन सी लार से? आपके लार से तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगी ना। सोलार, धूप, धूप सेकती है तो चार्ज हो जाती है। सब सुन लिया? हाँ? अगर किसी वजह से चार्जिंग अवेलेबल ना हो और मैं ड्रेन आउट हो जाऊं, तो मैं किसी भी इंसानी शरीर की बॉडी हीट से 10% चार्जिंग एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती हूं और कुछ देर के लिए एक्टिव हो सकती हूं। बाप रे, बहुत डेंजर है इस बार। मुझसे कनेक्टेड ये रिस्ट वॉच मुझे मेरे फीचर्स से रिलेटेड अलर्ट अलार्म्स देती रहती है, और इसकी मदद से मैं अपने डिजाइन के 90% डैमेज पार्ट प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने में पूरी तरह से कैपेबल हूं। तो कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और एडवांस्ड हूं। वाह वाह वाह, मीरा जी आप इसे उड़ सकती हैं क्या, एकदम सुपर हीरो की तरह? पुलिस वाला इसे उड़ते हुए जाएगा ना एकदम, तो मुझे तुम सब पर रुआफ। सॉरी। अगर ये सवाल था तो जवाब है नहीं, मैं उड़ नहीं सकती, और अगर ये मजाक था तो हा हा हा।
सर फिर से गुस्ताखी माफ, लेकिन फायदा क्या इतना बड़ा बड़ा असाधारण प्रतिभा डालने का जब कोई भी इन्हें आसानी से हैक कर सकता है। आशा करते हैं कि आप पिछली बार वाला अनुभव भूले नहीं। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक ताना हुआ तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ, सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि इनके क्रिएटर्स ने इनको बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, इस बार इनको कोई हैक नहीं कर पाएगा, ये पूरी तरह से सेफ हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सर और एक बात जानना चाह रहे थे हम, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि बस वगैरह रोकना वो सब तो सही है, लेकिन क्रिमिनल के बारे में इतनी जल्दी मीरा ने कैसे पता लगाया? वो इतनी जल्दी असली मुजरिम तक कैसे पहुंच गई? मीरा क्राइम होने से पहले क्राइम को देख सकती है। मीरा क्यों?